मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम प्लस एप्लीकेशन पर हार्दिक रूप से स्वागत है। और हम लोग जो फिलहाल सीख रहे हैं मेमोरी एप्लीकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर रहे हैं, और आज मेमोरी का सेकेंड क्लास है जिसमें हम लोग सेटिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कोई भी नेविगेशन एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहले आपको उसका मैप चेंज करने के लिए आना चाहिए और फिर सेटिंग, ठीक है। दूसरी चीज है, जो लोग SCGD, LDC, CRPF की तैयारी कर रहे हैं या फिर SI LDC का कर रहे हैं, ये फिर ROBC, BRF, PVCC का इनका क्लास चल रहा है, अभी कोर्स चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें 888-27-555-63 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए सेटिंग की बात करते हैं। आप सबसे पहले मेन मेन्यू में आइएगा। मेन मेन्यू में आने के बाद आप सेटिंग में दो तरीके से जा सकते हैं। सेटिंग में दो तरीके से जा सकते हैं। मेन मेन्यू में आने के बाद या आप पेजेस पे क्लिक कर लीजिए या आप टूल्स पे क्लिक कीजिए। दोनों जगह सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाएंगे। यहां पे हमने टूल्स पे क्लिक किया है और टूल्स पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं और यहां पे नीचे आपको सेटिंग दिख रहा होगा। इस सेटिंग पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे इस तरह के आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे और ये सारे बाय डिफॉल्ट चेक मार्क किया हुआ है। बिल्कुल इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, रहने देना है, ठीक है। आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए यहां भी कुछ चेक मार्क, ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस हम लोग को करना है इस यूनिट में, ठीक है। यूनिट में करना है, किस में करना है चेंज, आपको यूनिट में करना है, ठीक है। यूनिट में देखिए डिस्टेंस, स्पीड और लोकेशन फॉर्मेट, इन तीन चीजों को मुख्य रूप से हमको देखना होता है मेमोरी के सेटिंग में। जब आप डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पर देखिएगा कि आपका मीटर सेलेक्ट है या नहीं है, क्योंकि हम लोग अमूमन जो डिस्टेंस है ऑपरेशन एरिया में मीटर में हम लोग देखते हैं, इसलिए इसको मीटर में सेलेक्ट करना है। आप माइल्स में भी कर सकते हैं, नॉटिकल माइल्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जो जनरली है हम लोग मीटर्स में देखते हैं, इसलिए मीटर में चेक मार्क होना चाहिए। उसके बाद स्पीड, स्पीड जो है आपका किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो उस पर चेक मार्क कर लीजिएगा। तीसरा और मेमोरी का सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग्स में लोकेशन फॉर्मेट। लोकेशन फॉर्मेट में देखिए अभी जो है DDM है, यानी डिग्री मिनट, लेकिन आपको ये डिग्री मिनट नहीं रखना है, क्योंकि आपको जो GR चाहिए वो डिग्री मिनट सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, DDMS। तो यहां पे आप इस रेडियो बटन पर, जो DDMS का रेडियो बटन है, इस पर आपको चेक मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्रॉल करना है स्क्रीन पर, इस तरह से कुछ दिखेगा, ये भी बाय डिफॉल्ट लिया हुआ रहेगा, नहीं है रहता है तो आप इसको चेक मार्क कर लीजिएगा, बाकी यूं का यूं आप छोड़ दीजिएगा। बस इतना ही सेटिंग है। बिल्कुल ये सिंपल एप्लीकेशन है, कोई भी जबान बेहतरीन तरीके से इस एप्लीकेशन को चला सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक चीजें और हम लोग देखेंगे। पहले वीडियो में हमने बताया था यहां पे तीन चीजें दिखता है, मैप, दो चीजें दिखता है मैप और इंडिकेटर। मैप और इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर, क्लियर है। इंडिकेटर में अभी जो दिख रहा है मैप में, देखिए माइक्रोसॉफ्ट हाइब्रिड दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इसे चेंज करने के लिए सीखा था। सेकंड में दिख रहा है 0.0 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। और यहाँ पे देखिए एरो के निशान के साथ ही 1438 मीटर लिखा हुआ, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। इस पर हम इसको चेंज करने के लिए सीखेंगे, जो इंडिकेटर है। यहाँ पे हम इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ता है, तो देखिए जो चीज आपको देखना चाहते हैं इंडिकेटर के ऊपर वो चीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे स्पीड और एल्टीट्यूड है, हम चाहते हैं कि हमें स्पीड और एल्टीट्यूड हम नहीं देखना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल स्पीड सेलेक्ट है और एल्टीट्यूड सेलेक्ट है।
आप स्पीड पर क्लिक कीजिए। स्पीड पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है ट्रैक डिस्टेंस, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ट्रैक डिस्टेंस सेलेक्ट कीजिए। आपके ऑपरेशंस में जो है कुछ एक जानकारी जो है बड़ी आसानी से स्क्रीन पर दिखता रहेगा, और सेकंड में टू टारगेट आप कर लीजिए। ठीक है, ट्रैक डिस्टेंस का मतलब क्या है? ट्रैक डिस्टेंस का मतलब है कि आपने कितनी दूरी तय करी, और टू टारगेट सपोज दैट आपका कोई, आपका ये ऑन पोजीशन है, ठीक है, और यहां पे आपको रेड करना है इस जगह पर, और आपके जगह से इस जगह का जो डिस्टेंस है 1000 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 1000 मीटर। तो जो ये क्या है, कुल डिस्टेंस आपके ऑन पोजीशन से लेकर रेड तक कुल डिस्टेंस है, तो वो टू टारगेट में आपको शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रैक डिस्टेंस, आप जब यहां से ऑन पोजीशन से चलना आप शुरू करेंगे रेड के लिए, यानी 1000 मीटर का जो आपका रूट बना है उस पे जब आप चलना शुरू करेंगे, सपोज दैट आपने चलना प्रारंभ किया और यहां तक आप पहुंच गए 400 मीटर तक, यानी ऑन पोजीशन से लेकर, ऑन पोजीशन से लेकर यहां तक 400 मीटर है। 400 मीटर आपने दूरी क्या किया, तय कर लिया, तो यही जो 400 मीटर है ये कहलाता है ट्रैक डिस्टेंस। ट्रैक डिस्टेंस आपको फर्स्ट में ट्रैक डिस्टेंस दिखेगा, ठीक है, यानी अगर 400 मीटर आपने चल लिया तो 400, और सेकंड में आपको टारगेट, जब 1000 का टारगेट था और 400 मीटर आपने टारगेट कंप्लीट कर चुका है, तो अब टारगेट आपको कितनी दूरी पर दिखेगा, 600 मीटर पर। तो ये बढ़ते रहेंगे, और ये मतलब ट्रैक डिस्टेंस बढ़ते रहेंगे और टारगेट जो है उसका जो डिस्टेंस है वो घटते रहेगा, और स्क्रीन पर आप देखते रहेंगे कि इतनी दूरी हमने तय किया, इतनी दूरी और हमारे, हम जिस पोजीशन पर हैं, करंट लोकेशन जो है, यहां से हमारा जो पॉइंट है रेड का, एम्बुस का, जो भी पॉइंट है आपका, उसका डिस्टेंस कितना यहां से है, ये सारे स्क्रीन पर आपको इंडिकेटर्स में दिखते रहेंगे। अब बात करते हैं ओवरलेज के बारे में, ठीक है। ओवरलेज का जो इस्तेमाल है बिल्कुल नहीं है, आप मेन मेन्यू में आइएगा, सेकेंड ऑप्शन है ओवरलेज, ठीक है, हमने मैप को सीख लिया, उसके बाद सेटिंग किया, फिर हम सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड मेन्यू पे आए हैं, ओवरलेज लिखा है। ओवरलेज में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नन सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, यस का निशान है, बस एक बार देख लीजिएगा कि नन है, नन ही आपको रखना है, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आज के क्लास में एक छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना ही चीज जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से मैवरिक में सेटिंग करने के बारे में जानकारी आपको दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करें, और ज्यादा अगर आप लाइक्स और शेयर करेंगे तो आगे चलकर हम फ्री में आपको जीपीएस की क्लास और ओरक्स मैप की क्लास देंगे। अगर आप जीपीएस और ओरक्स मैप की भी क्लास सीखना चाहते हैं, इसमें मास्टर बनना चाहते हैं, तो जरूर हमें कमेंट करें, और आप इस नंबर पर जरूर हमें बोलें कि आप जीपीएस का क्लास सीख, जीपीएस की जो क्लासें हैं उसको लेना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।